बालवाड़ी कॉलेज का वही स्कूल कैंपस है जहाँ पर मुंशी जी प्रिंसिपल आ करते थे। इमारत देख सकते हैं 1913 की लगभग बनी इमारत है यहाँ की। उस समय स्कूल की स्थापना हुई थी। बताया जा रहा है कि जब मुंशी जी यहाँ पर प्रिंसिपल थे उस वक्त स्कूल 8वीं क्लास से चलता था। इसके बाद हालांकि इस समय स्कूल 12वीं क्लास से चल रहा है। गबन गोदान उस की रात और पंच परमेश्वर समेत सैकड़ों लोकप्रिय उपन्यास लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म तो बनारस में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि कानपुर रही है। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये श्री मारवाड़ी विद्यालय इंटर कॉलेज है। मुंशी प्रेमचंद 1921 से 1922 तक यहाँ पर प्रिंसिपल रहे हैं। यहाँ के मैनेजमेंट ने जिस सीट पर बैठकर वो यहाँ के प्रधानाचार्य की कुर्सी संभालते थे उस कुर्सी को संभाल रखा है। ये जो कुर्सी आपको दिखा रहे हैं इस कुर्सी को लिखा हुआ है पूर्व प्रधानाचार्य पंजाब सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी वर्ष 1921 से 22। स्कूल मैनेजमेंट ने इस कुर्सी को संभाल कर रखा है। याद है ये उन मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास सम्राट की कि वो यहाँ पर कभी थे, कभी यहाँ पर विधानाचार्य की कुर्सी संभालते थे, स्कूल को चलाते थे। मारवाड़ी कॉलेज का ये वही प्रिंसिपल रूम है जहाँ पर मुंशी जी बैठ कर पूरे स्कूल को चलाते थे। बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड में आप देख सकते हैं 1921 से 1922 तक मुंशी जी इस गद्दी पर बैठे हैं, इस कुर्सी पर बैठे हैं और यहाँ पर उन्होंने बैठकर स्कूल को चलाया। तो इस स्कूल में इस वक्त प्रिंसिपल के पद पर अखिलेश कुमार मिश्रा है। मुंशी प्रेमचंद जी 1921 से 1922 तक इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर सुशोभित हुए और हम सभी इस समय बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे बच्चे भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनकी कहानियाँ हमारे टीचर सुनाते हैं और उनके जो उनका जो साहित्य है वो पढ़ते हैं और बच्चे जानने के उत्सुक रहते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं तो वो सभी कल 31 जुलाई है उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा और इस संबंध में विद्यालय में कार्यक्रम किए जाएंगे और बच्चों ने उसमें प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और कहानी का पाठ किया जाएगा। इस विद्यालय में उनका बड़ा योगदान रहा है और हम इस समय इस सीट पर बैठे हैं तो बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें मौका मिला। हम प्रयास यही करते हैं कि उनके विचारों को हम अपने बच्चों को, अपने समाज को प्रेषित करें, उनको बताएं। मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी धरोहर यही है कि उनकी जो पुस्तकें हैं और उनको जिस कुर्सी पर वो बैठ करके यहाँ उस पद पर उन्होंने कार्य किया वो कुर्सी आज भी हमारे यहाँ सुरक्षित है, संरक्षित है और जो कार्यक्रम होते हैं समय समय पर तो उनका जो है निकाली जाती है और उसका जो है बच्चों को दिखाई जाती है। उसी की छवि देख करके लोगों में बिल्कुल आभास होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी हमारे सामने हैं और हम उनके निर्देशन में हैं और प्रधानाचार्य के पद पर हैं। ये आभास दिलाती है, हमें प्रेरणा देती है कि साहित्य के क्षेत्र में हम अपना आगे योगदान करें और उसी के अनुरूप कार्य करें।